उसको लगा कि मैं ताना मार रहा हूँ फिर याद आया कि ये तो दोस्त निकला Yes. And we have the next contestant, please. Guys, prediction has started. Prediction time has started. Hi, sir. So much fun, man. Hi, Vipin Kumar. क्या हाल है? बढ़िया, sir. बताइए आप अपने बारे में बताइए. Sir, actually क्या है ना, ma'am, ये specially आपके लिए था. Actually, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाह नहीं रहा था कि वो चांद मुखड़े पे सूरज की किरण पड़े और कोई भी स्पॉट आए तो आपने क्यों पहना ये तो मुझे पहनना चाहिए अब मैं आऊंगा और आप इसके अंदर अगर आना चाहें तो आ सकते हैं इसके अंदर कैसे आऊं मैं नहीं वो हो जाएगा आप डूब गया इसका मतलब मुझे आपके बहुत नजदीक आना पड़ेगा ठीक है पर हाँ तो ऐसे हम जा सकते हैं वैसे कैसे एडजस्ट करके कैसे? मेरे ऊपर दाग पड़ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है इसको हटा कर ऐसे कर सकता हूँ मैं नहीं आपको लगानी नहीं पड़ेगी क्यों नहीं चाहता कि आपके बाल खराब हो अरे कोई बात नहीं मैं पहन लूंगी इसको कैसे पहनते हैं एक मिनट एक मिनट ये हमने स्कूल टाइम पहने हैं मैंने कभी नहीं पहना एक्चुअली इज वेरी कम हैंड फ्री है वेरी कूल मैन हां मैंने कभी ऐसा छाता नहीं पहना गुड गिफ्ट चलो नेहा नो मोर धूप पिया वाओ नेहा क्या बात है यार विपिन अपने बारे में बताइए आप कौन हो क्या करते हो क्यों आए हो विपिन साहू नाम है सर मेरा और रिसेंटली मतलब लोग ऐसा था कि लैंड करा दे वाला भाई या पैराग्लाइडिंग वाला भाई इस नाम से लोग जानने लगे और करता तो मैं सर वैसे बिजनेस है मेरा जो मैं बेसिकली अपने यहाँ करता हूँ और अरे 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 भाई बस लैंड करा दे लैंड करा दे भाई एक बार तुम बस हाँ मैं कह यार क्यों लग रहा है बहुत ज्यादा बेचारा अरे देखिए तुम हमसे मशहूर हो गए 2019 तुम्हारे नाम हो गया और मैं आसमान की ऊंचाइयों में और चारों ओर कोहरा ही कोहरा अरे मैं हाँ मैंने एक्चुअली पैराग्लाइडिंग करी थी मुझको एक्रोफोबिया है मैंने फिर भी उसके बाद ही पैराग्लाइडिंग करी थी तो बहुत बड़ी बात है कि एक्रोफोबिया के बाद आपने की जब आपको पता था कि बाद हुई एक्रोफोबिया तो सर क्या है ना कि डर डर के जीने से अच्छा कि एक बार मर जाओ सही बात है फिलॉसफी अच्छा है तो ठीक जगह पे आए हो आप रोडी जी ऑल अबाउट दिस एंड दिस पूरा जबान का और दिमाग का खेल है कि आप अपनी जबान से कितना क्या निकालते हो कूड़ा करोगे तो वो आप अपने लिए करोगे अच्छा निकालोगे तो वो आप अपने लिए निकालोगे एक बार लैंड करा दे बस इसको पकड़ मैं गांडू था मैं इसके ऊपर आया हवा में हो जा और वो डायलॉग जो तेरा फेमस हुआ है वो एक बार कर दे सर 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 100-200 ज्यादा ले लो मुझको उतार सर 100-200 ज्यादा ले लो मुझे उतार सर 500 ज्यादा ले लो लेकिन उतार दे मुझको भाई लैंड करा दे भाई 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 लैंड डैश हूं मैं जिगजैग नहीं जिगजैग नहीं मैं नहीं 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 टेढ़ा टेढ़ा नहीं टेढ़ा नहीं जिग जिग जिगजैग नहीं उतार पैर ऊपर कर नहीं सर तो खत्म तो कर डायलॉग क्या था वो गाली देगा करना पूरा वाला वो सर अरे मैं मालिक चोर हूँ जो इसमें आया मैं गांडू हूँ जो यहाँ आया जग्गा मेरे भाई जग्गा घंटी भी बजा दी यार मैंने एक बार समझा जब वो कह रहा था कि पैर ऊपर कर वो क्योंकि लैंडिंग पे आ रहा था पैर पर क्यों नहीं कर पा रहा था तू वो सर क्या था ना कि अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखे तो मैं वो जो हिप्स पे हार्नेस होती है तो मैं उस पे सीधे स्ट्रेट खड़ा था 90 डिग्री पे और उस पे बैठा जाता है एक्चुअली तो जब बैठे होते हैं तो हम पैर स्ट्रेट कर सकते हैं अच्छा और तो उस तरह में कितनी देर होल्ड कर सकते हैं तो आप उसने ऊपर से ही बोल दिया था कि ऊपर कर तो आप बैठ नहीं पाए थे नहीं मैं बैठ नहीं पाया तो क्या वो आपकी सेफ लैंडिंग हुई कि नहीं नहीं लैंडिंग सेफ हो गई थी लैंडिंग के टाइम पे पैर ऊपर हो गए थे वरना टूट जाते उसने इतना मारा उसने उसके बाद नहीं नहीं ऊपर ही पीछे से लात मार रहा था ऊपर कर उच्चे कर ही इज द मोस्ट वायरल मीम ऑफ 2019 व्हेन यू एब्सेंट वो जो वीडियो है आपने डाला था YouTube पे नहीं नहीं छोटे भाई ने खुन्नस में डाला था तो उसके YouTube चैनल पे सारे सब्सक्राइबर्स आए हाँ, हाँ, हाँ. आपके भी नहीं आए नहीं मेरा कोई चैनल ही नहीं है
वही ब्लॉगिंग अभी छोटे भाई के उसमें कितना आ गया 64 65000 और उस वीडियो पे कितने व्यूज थे 1 करोड़ से ऊपर है 10 मिलियन प्लस और जो अलग अलग चैनल ने डाला था उनपे 5 मिलियन 6 मिलियन इस तरह हाँ ये बहुत सारे डिवाइड हो गए हर लोगों ने डाल दिया था ना और बहुत मीम्स बने सबसे फनी मीम आपने भी देखा होगा आपके उससे मीम्स बने सबसे फनी मीम क्या सबसे फनी तो एक वो था कि व्हेन आई एम फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में लास्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज मैं मलचोर हूं जो यहां आया He's hanging by his leg. My mother chod hu jo isme hai. Keh raha main gandu. Keh raha tu gandu hai? Haan haan main gandu. Nahi wo girne ke baad jab wo gir gaya keh raha are wo apni bhasha mein baat kar rahe hain ki ye lodo keh raha ye late ke bhi keh raha haan main lodu bhai. Are aapne matlab sir pura dekha kyunki wo shayad wo point kisi ko nahi yaad hai. Wo utarne ke baad usse kehta lodu hai macho. मैं कहा हाँ हूँ मैं लोड़ू। All right guys, time's up. ये क्या ये? मैं जो अपने पे हंस सके रहा हूँ बहुत बड़ा इंसान हूँ। सच्ची। What is CCNA? यार आपसे मिलके बहुत खुशी हुई यार। Genuinely बहुत खुशी। Thank you so much sir. CCNA certified क्या होता है? आप Cisco certification of network administrator. तो मैंने वो किया हुआ था और उसके बाद फिर मैंने उसी के बेस पे नेटवर्क इंजीनियरिंग जेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे टू ईयर तक पढ़ाई है यूपी लखनऊ आप करते क्या बिजनेस से सर मेरे टाई शोरूम की चेन है इस वीडियो के बाद आपको कहीं ऐसा लगने पड़ा कि यार सेलिब्रिटी बन जाते हैं लोग पूछ रहे हैं कुछ ऐसा कुछ हुआ है कोलैबोरेशन हाँ कलश टीवी पे जब गया था तो लगा था कि जब चंकी पांडे सर के साथ शो किया था तो उसमें लगा था कि हाँ कुछ हो रहा है अच्छा कुछ हो रहा है क्या किया था उधर खतरा शो था बेसिकली भारती मैम थी चंकी पांडे सर मास्टर मर्जी तो उस पर भी वही हवा में लटका दिया था उन्होंने भी ये इस बार का जो आपको मिलकर बहुत खुशी हुई थैंक यू सर रोडीज आपने पहले देखा हुआ है हाँ सारे रोडीज रेवोल्यूशन जो इस साल हम कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे बदलाव आए राइट तो इस साल आप आए हो ऑडिशन पर अगर आप आ जाते हो तो आप किस तरीके से चीजें बदलना चाहोगे और क्या बदलना चाहोगे और ये रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हो सर दो चीजें हैं जो मेरे माइंड पे हैं एक तो लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को मतलब होता बहुत ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ मैं डरता हूँ आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी सर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पे आपको डर लगता होगा जरूरी नहीं है हाइट से डर लगता हो हर किसी को डर लगता है लेकिन वो दिखाने से डरते हैं लोगों को अपनी लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी अगर किसी को दिख गया ये मेरा डर तो गलत है और एक रेवोल्यूशन जो मेरा अभी मैं करंटली चल रहा है वो ये है कि तीन चीज़ें लोगों की नीड होती है रोटी कपड़ा मकान और नौकरी तो रोटी और कपड़ा नौकरी ये तीन चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मकान देने की अभी हैसियत नहीं है मेरी इतनी कि किसी को दे पाऊँ तो वो अभी नहीं कर रहा हूँ हैंड फॉर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं रोटी कपड़ा हैंड फॉर ह्यूमैनिटी नाम से है मेरा तो उसमें मैं कोई डोनेशन नहीं लेता हूँ किसी से जो भी मेरी इनकम होती है उसका 5-8% निकाल के मंथली वो मैं करता हूँ तो कितने लोगों को आपने आज से खाना खिलाया होगा और कपड़े दिए होंगे मंथ में एक बार करता हूँ और मोर देन 50 प्लस होता है मतलब 50 लोगों के लिए लखनऊ बांदा और चित्रकूट और ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मैं किसी के ऊपर फेवर कर रहा हूँ या एहसान कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट्स आवर ड्यूटी और मुझको नहीं है हर उस इंसान को करना चाहिए जो इतना कैपेबल है कि वो अपने से छोटे भाइयों को वो एक्चुअली हमारे छोटे भाई बहन ही हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं वो कैपेबल नहीं उनको नौकरी दे सकते हम कोई भी छोटा सा बिजनेस दे सकते हैं स्टेबल करके जिससे वो कमा लें ना कि एज अ भीख दें उन्हें यू आर वेरी दिस इज वेरी नाइस सर आप कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे कई लोग आते हैं और कहते हैं हम करना चाहते हैं कैसे करेंगे आप बता दो लेकिन अब हम कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स को मिल रहे हैं जो एक्चुअली कर रहे हैं यार दे आर ऑलरेडी मेकिंग अ डिफरेंस रियली नाइस तो ये तो आप ऑलरेडी बदलाव कर रहे हो अब आप रोडी से क्या चाहते हो लो मेरी जो इमेज है ना वो ऐसी है कि बहुत मतलब जैसे अभी कहीं जाता हूँ भाई एक बार रोड वाला डायलॉग बोल के था मैं माधव छूट हूँ मतलब वो करना है तो मेरे पास वो भी आते हैं लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे 100-200 डीएम्स पड़े ही रहते हैं कि और माधव छूट भाई कैसे हो तो मैं अगर चाहूँ ना तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ मैं भी गालियाँ दे सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ हाँ भाई बढ़िया हो तू बता कैसा है तो उसके बाद भाई बिग फैन फिर वो आ जाता है मतलब लोग पहले आते हैं इस चक्कर से कि आर्ग्यू करेंगे तो मैटर बनेगा लेकिन जब मैं वहाँ स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देता हूँ उस चीज़ को तो मैं यहाँ पर आऊँगा अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि आप लोगों की कृपा से आ पाता हूँ यहाँ तो एक टैग है ना सर वो चेंज होगा कि हाँ भाई उसके अलावा भी एक दूसरा पेज है इस इंसान का कि जो डरता जरूर है मेरी सर स्ट्रेंथ क्या है मेरा फियर ही मेरी स्ट्रेंथ है मुझे हाइट से डर लगता है
मुझे जानवरों से डर लगता है, मुझे स्पीड से डर लगता है। मैंने आज तक शायद कभी 80 किलोमीटर से ऊपर बाइक नहीं चलाई है, 80 के ऊपर कभी बाइक नहीं चलाई। आपने रोडीज देखा है, आप इन सबको दिखा दो कि यार मैं इतना फिट हूँ, ये कर सकता हूँ, अपने हिसाब से दिखा दो, जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से दिखा दो। मैं स्टार्ट निकाल सकता हूं। निकाल कुछ भी कर सकते हो। आपके पास एक मिनट है गाइस, लास्ट वन मिनट, जस्ट सी व्हाट ही इज केपेबल ऑफ फिटनेस वाइज। चलो अब लोगों को ये भी पता लग गया कि वन हैंड पुशअप्स ही मारता है भाई। क्या बात मुझे पता इसको नहीं यार। रिवर्स पाम पुशअप। पैर फिसलता भी है वहां पीछे। ऑलराइट, आपको सिलेक्ट होने के लिए ऐसी तीन लाइटें चाहिए, सबके पास एक एक लाइट है। ऑलराइट, 10 सेकंड दिए जाएंगे इनको, आप तब भी कुछ जो भी आपको बोलना है बोलते आप बोल सकते हैं। बट आई वांट टू पॉइंट वन थिंग आउट, इट्स आल्सो वेरी फन। व्हाट कुड बी दैट वन रीजन जिसकी वजह से आप सिलेक्ट ना हो? यार वैसे मैं जिंदगी में बहुत पंचल हूं, पर आज एक घंटा लेट रहा हूं तो शायद यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ। और मुझे लेट लतीफ पसंद नहीं है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, बाकी आज मैं लेट हो गया। ऑलराइट गाइस, योर 10 सेकंड स्टार्ट नाउ। 10 9 8 7 6 सर, तू मेरा भाई है जो इसमें आया। मैम अब आपकी 100 200 500 1000 ज्यादा ले लो, लेकिन प्लीज कर तो दिया। अरे अपनी तो लैंडिंग ठीक रख, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आपका एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा, कौन सर, जो आपने कहा कि माई फियर इज माई स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट। बहुत लोग घबराते हैं कुछ करने से, कहीं जाने से, गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग, बट समटाइम्स यू हैव टू मेक दैट फियर इन टू योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। अगर आप रोडीज के जर्नी में आते हो, वी विल सी हाउ दैट प्लेज आउट। नेहा, आपने लाइट ऑन किया, रीजन? आई थिंक यू नो पीपल टेक देमसेल्व्स वेरी सीरियसली इन लाइफ, और आजकल ये भी बहुत जरूरी है कि पीपल नीड टू लाइटन अप, और आप वो आवाज भी बन सकते हैं दोनों। पर ये आवाज ऑलरेडी है, काम कर रहा है अपने हिसाब से, वायरल भी है, बट देयर इज अ बिजनेस दैट्स गोइंग ऑन। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के मैं तो हीरो बनने आ गया। इट्स एंड आई जस्ट थिंक दैट यू नो इट्स जस्ट नाइस टू हैव समवन हु कैन यू नो मेक अस ऑल स्माइल एंड हैव फन एंड यू नो टेक अ जोक ऑन हिमसेल्फ। इट्स जस्ट ग्रेट। मेरा इसको सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि एक तो पहले से आवाज़ आई, ठीक है, दूसरा लोगों लोग जो बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं ना किसी इंसान को देखकर, उसकी एक वीडियो देखकर, उनके लिए बहुत बड़ा आंसर है ये। एग्जैक्ट, तुम इसको वो मत देखो कि उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी करता है और लोगों का ध्यान भी रखता है अपनी इनकम में से, और अभी यहाँ पर आकर अपनी दूसरी पर्सनैलिटी भी दिखाएगा। ही इज द आंसर टू ऑल द हेटर्स। यस, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। मेरे पास तुम्हारे लिए है ओपो MTV रोडीज रेवोल्यूशन, मैंने क्यों नहीं को पावर्ड बाय एलो फ्रूट जूस के लिए एक डॉग टैग। सर आपके चरण, आपके चरण, दिल से दिल मिलना चाहिए, ऐसे मिलता है, हाथ और पांव का नहीं होता है कुछ, ठीक है। वेरी नाइस टू सी यू, मजा आया, एंड ही इज फिट गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू। ये आपको एक स्टेप और करीब लेके जाएगा। आई विल सी यू इन द कलिंग राउंड, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और कोई मेहनत करने की जरूरत है किस चीज में? नहीं भाई, मेरे को लगता नहीं, हैवी वेट वेट नहीं कर रहा है, एजिलिटी पे काम कर रहा है, मेरे को लगता है वो भी आ जाएगा, कोर एक्सरसाइज पे थोड़ा फोकस करना है। सुन सर, 15 वाला वर्कआउट करना है, समझ गए? ऑल द बेस्ट, पहुंचना जर्नी तक फॉर श्योर। हां, कलिंग से निकल के ये टोपी तेरी, पहलवानों वाला नहीं, 15 वाला बता तेरी ओट पे यार, ये वो एजिलिटी आ गई ना, वो सबसे ज्यादा काम होती है, वजन उठाना काम नहीं है। सही है ये, जैसे फिट है यार, लवी मेरी जान, साल बनाया तूने हम में से बहुत लोग हैं यार, स्वीट गाय मैन, यू आर स्वीट, इधर आ इधर आ, स्वीट गाय। कलिंग में मिलते हैं, जैकेट ले जाओ, ओपो F15 पे देख लो, आपको मैसेज आया होगा। क्या मेरे ओपो F15 पे किसी का मैसेज आया है? लाइट बंद करने से पहले निखिल का मैसेज आया है, वाओ, प्रिंस ने नेहा की एक फोटो भेजी है टोपी के साथ। और अब मैं बोलना चाहूंगा, हाँ मैं गांड हूँ, मैंने यस नहीं भेजा क्योंकि मैं इतना फनी था कि मैं इसकी बातों में खो गया और मैं यस लिखना भूल गया।
No way! I swear. No way! मैंने फोटो के साथ yes भेजना था, मैं इसकी बातों में खो गया, मैं भूल गया. I didn't expect this from you. Like a breath of fresh air, इसमें कुछ manufacturing. इसीलिए मैंने. I know, मैंने. पर मैंने ऐसा बोला भी, एक मिनट है आप लोगों के पास. तूने देखा मुझे? जा पाजी. उसके बाद जब मैंने. तूने मेरी फोटो भेजी, तूने yes नहीं भेजा? नहीं. Alright guys, next.